लास्ट टाइम क्या देख रहे थे हम लोग, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमें मैथमेटिकल स्टेटमेंट आ गया था हमारे पास, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आर इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर।
कांस्टेंट हम लिखते हैं, राइट, R is equal to rho L by A. This rho is constant of proportionality. इसको ही बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या और एक वर्ड है रेजिस्टिविटी. अब ये सब क्या है, ये जो कांस्टेंट है वो मटेरियल पे डिपेंड है. अभी ये मैंने कोई तो मटेरियल लिया होगा, कॉपर, एल्युमिनियम, मैंगनीज, सिल्वर, नाइक्रोम, समथिंग जो करंट को पास कर रहा है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि कॉपर लिया और एल्युमिनियम लिया, दोनों का लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम, फिर भी रेजिस्टेंस अलग अलग आएंगे. मतलब कोई एक प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है मटेरियल को, और वो प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टिव या स्पेसिफिक रेस. तो ये कांस्टेंट रहेगा प्रोपोर्शनलिटी, और वो किस पे डिपेंड करेगा, मटेरियल को. मतलब अगर आपने मान लो मेरे पास यहाँ पे एक ये कंडक्टर है, दूसरा कंडक्टर, दोनों का लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, लेकिन दोनों का मटेरियल क्या है, अलग अलग है. तो मटेरियल अलग होने से दोनों का रेजिस्टेंस अलग आएगा. तो कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ अलग, मतलब हर मटेरियल का रो क्या रहेगा, अलग अलग. ओके, सो लेट मी रिवाइज. हमने ओम्स लॉ से शुरू किया था, हमने देखा था कि R is equal to V upon R, ये अलग अलग फॉर्म में. फिर हमने 1 ohm की डेफिनेशन बनाई थी, 1 ohm मतलब 1 volt upon 1 ampere. फिर हमें एक प्रॉपर्टी का पता चल गया, रेजिस्टेंस, विच इज समथिंग वी कैन से इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, इट्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. वी कैन कंबाइन दिस, दिस इज रो, constant of proportionality depend on material, right? एक factor है temperature, जिसके ऊपर भी resistance क्या होता है, depend करता है. मतलब हम ये सब लिखते हैं और ऐसा assume करते हैं, अगर दो comparison करनी है आपको, देखो comparison कब होती है, कैसे होती है, comparison करने के लिए चीजें कॉमन होती है. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, क्लास में सबका एज सेम है, फिर हम बोलते नहीं इसी एज में ये लड़का अच्छा है पढ़ाई में. हाँ, हम बोल रहे हैं कोई 5 साल का लड़का है और कोई 20 साल का लड़का है, और हम बोल रहे हैं नहीं 20 साल का लड़का होशियार है. तो ऐसा बोलना अच्छा लग रहा आपको, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, बिकॉज फिर आप बोलेंगे यार उसका एज ज्यादा है, इसका एज कम है, आप कैसे कंपेयर करें. तो अगर आपको कंपेरिजन करना है किसी चीज का, तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अभी मैंने मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन अच्छा कंडक्टर, कंडक्टर अच्छा मतलब रेजिस्टेंस कम होना चाहिए. अच्छा कंडक्टर किसको बोलते हैं, जिसने लेस अपोजिशन करना चाहिए करंट के. हालांकि आप सब जानते हैं कि सबसे अच्छा कंडक्टर है सिल्वर, गोल्ड से भी अच्छा सिल्वर. अब ये कंक्लूजन पे हम लोग कैसे आए, हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, एक सिलेंड्रिकल शेप में वायर बना ली, सिल्वर की वायर, उसका लेंथ ले लिया मान लो 1 meter, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला है, ये भी ले लिया 1 meter square. ऐसा बना सकते हैं हम लोग, मतलब हमने कट कर लिया एक वायर, वायर की लेंथ 1 meter, और वायर का ये एरिया जो है ये कितना है, 1 square, ये 1 meter 1 square, ऐसा हमने बना दिया. फिर हमने लिया कॉपर, कॉपर का भी हमने क्या कर लिया, सेम वायर बना, सेम वायर मतलब 1 meter 1 square. फिर हमने ले लिया एल्यूमिनियम. ऐसा इसलिए कर रहे हैं, हमें पता है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, लेंथ पे डिपेंड होता है. तो हमने सबकी लेंथ क्या ले ली, 1 meter, मतलब लेंथ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. फिर हमें पता चला कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबका सेम ले लो, सबका क्या ले लो, 1 square.
कोई भी ले लो वैल्यू, जैसे अभी एग्जांपल के लिए 1 स्क्वायर मीटर। अब सराउंडिंग टेंपरेचर भी सेम रख, मतलब हमने ऐसा एक रूम बना लिया जिसमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो गया, मेंटेन हो गया, सराउंडिंग टेंपरेचर भी सेम। अब आप सबका रेजिस्टेंस मेजर करो। मान लो ऐसी हालत में सिल्वर का रेजिस्टेंस आ रहा है कुछ 0.008 ओम, फॉर एग्जांपल। मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि ये आ गया किसका, सिल्वर का, ये इसका आ गया 0.09, इसका आ गया 0.1 समथिंग। अब आप क्या कंक्लूजन कर रहे हो, इसका रेजिस्टेंस कम है, ये सब सेम क्यों नहीं आ रहे? लेंथ तो सेम है, एरिया भी सेम है, सराउंडिंग टेंपरेचर भी सेम है, क्या अलग है? मटेरियल अलग है, मतलब एक है जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और मटेरियल के हिसाब से सोचो तो कौन सबसे अच्छा है, ये सिल्वर सबसे अच्छा, जो कि कंपैरिजन में, हाँ मैंने अगर सिल्वर की 0.5 मीटर की वायर ली होती तो ये लोग चिल्लाएंगे ना, कौन चिल्लाएंगे? हम लोग जैसे बोलते हैं ना, हमारे मम्मी पापा को, मम्मी पापा को यार उसको देखो ज्यादा मार्क्स है, उसको उसके पापा ने गाड़ी लेके दिया, उसके पापा ने उसको अच्छा क्लास लगाया इसलिए उसको अच्छे मार्क्स, तू भी वही क्लास लगा, तू भी वही गाड़ी ले, सब सब सेम है। अब क्या है, अब जो ला रहा है वो क्या है, वो तेरी मेहनत है, समझ आ रहा है? सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। एनीवे तो एक प्रॉपर्टी है, मैंने बताया ये कांस्टेंट रो जो मटेरियल पे डिपेंड। अब ये प्रॉपर्टी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमने फॉर्मूला लिखा R इज इक्वल टू रो L बाय A, और इस रो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो ऐसा कर सकते R इनटू A अपॉन L, क्या किया हमने, जस्ट थोड़ा एडजस्टमेंट किया। अभी मान लो एरिया ले लिया हमने 1 मीटर स्क्वायर परपसली, लेंथ ले लिया 1 मीटर, ऐसा सब 1-1 कर लिया तो दोनों टर्म 1 हो गए। फिर न्यूमेरिकली आर एंड रो क्या आएंगे, उस वक्त सेम आएंगे। स्पेशल केस है ये, क्या स्पेशल केस है, लेंथ 1 एरिया 1, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूँ न्यूमेरिकली, इसको बहुत इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकली, इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम, इसका यूनिट क्या है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, इट इज ओम मीटर, मतलब रो का यूनिट है ओम मीटर, आर का यूनिट है ओम, तो दोनों सेम नहीं है, हाँ वैल्यू वाइज सेम आ रहे इस स्पेशल केस। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, रो की डेफिनेशन क्या है, रो इज कोई भी मटेरियल का, रो क्या है कोई भी मटेरियल का, रो मतलब मटेरियल का रेजिस्टेंस न्यूमेरिकली, कब, अगर उस मटेरियल की एरिया 1 मीटर ली जाए लेंथ और एरिया, मतलब लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया जाए, उस वक्त जो रेजिस्टेंस आएगा वो उस मटेरियल का स्पेसिफिक, देखो स्पेसिफिक स्पेसिफिक कोई समझ में ना, स्पेसिफिक मतलब व्हाट, सम स्पेसिफिकेशंस आर मेंटेन, आपने कोई स्पेसिफिकेशन मेंटेन कर लिए, क्या स्पेसिफिकेशन मेंटेन कर लिए, आपने ये 1 ले लिया परपसली, ये भी 1 ले लिया, इससे आसानी हो गई कैलकुलेशन। अभी जैसे ये जो वैल्यू आई है, अभी हम लोग अगर सिल्वर की बात कर रहे हैं, सिल्वर की लेंथ कितनी ली थी हमने वायर की, 1 एरिया 1 लिया, उस वक्त में उसका रेजिस्टेंस ये आ गया। अब मुझे बताओ सिल्वर का रो क्या है, यही वैल्यू, लेकिन यूनिट क्या लिखना पड़ेगा, ओम मीटर लिखना पड़ेगा, मतलब सिल्वर का रो क्या हो गया फिर 0.08, यूनिट अलग है, ये किसका रो 0.08 सिमिलर, सोनिया मतलब मैंने, मुझे अगर किसी ने बोला कि ये मटेरियल है इसका मुझे रो निकाल के दो, तो मैं क्या करूंगा, उस मटेरियल की वायर बनाऊंगा,
एजुकेशन वाले से बना लूंगा वायर, कैसी वायर, लेंथ 1 एरिया 1, ऐसी वायर बना लूंगा, फिर रेजिस्टेंस मेजर करूंगा और वो रेजिस्टेंस जब आएगा वो उसका स्पेसिफिक, ऑफ कोर्स मैं टेंपरेचर के बारे में भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अगर टेंपरेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो हम मेंशन करेंगे कि जैसे रूम टेंपरेचर 25 to 27 ऐसा मेंशन किया जाता है कि रो इज दिस, समझ गए? सो हाउ यू डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर, इट्स अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई भी मटेरियल का स्पेसिफिक, बट यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज